हरियाणा के फरीदाबाद में एक सांड के पेट से ऑपरेशन के बाद करीब 80 किलो पॉलिथीन निकाली गई। खास बात यह है कि पॉलिथीन के अलावा कील, लोहे और प्लास्टिक के ढक्कन, हेयरबैंड, रबड़, नट बोल्ट और पेंसिल भी निकाले गए हैं। गोकुलधाम सेवा समिति के डॉक्टर अंजलि और उनकी टीम ने सांड की सर्जरी की है। सर्जरी के बाद सांड को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। सांड SGM नगर में घूम रहा था। इसके बाद गोवंश सेवकों ने झज्जर स्थित पशु प्रेमी संस्था गोकुलधाम की डॉक्टर अंजलि से संपर्क किया। सोमवार को गोकुलधाम के डॉक्टरों की टीम फरीदाबाद आई और सांड को साथ ले गई और उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टर अंजलि ने बताया कि करीब 3 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में सांड के पेट से हैरान कर देने वाली चीजें निकाली गई। ये वो चीजें थी जो घरेलू उपयोग के बाद फेंक दी जाती हैं। सांड के पेट से पॉलिथीन के अलावा कील, लोहे, प्लास्टिक के ढक्कन, हेयरबैंड, रबड़, नट बोल्ट और पेंसिल तक निकाला गया और 80 किलो पॉलिथीन। फिलहाल सांड को गोकुलधाम के अस्पताल में रखा गया है। डॉक्टर अंजलि ने कहा कि पॉलिथीन के प्रयोग से लोगों को बचना चाहिए। वहीं स्थानीय निवासी सचिन चौधरी ने बताया कि रविवार को एक सांड इलाके में घूमता दिखा था। इसका पेट थोड़ा सा कटा हुआ था, इसमें से पॉलिथीन बाहर निकल रही थी। दर्द से कर रहा था सांड बेचैन था और इधर उधर भाग रहा था। न्यूज डेस्क।